का माँ श्री वाली माता का सांची दरबार की जय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम जी। वेलकम बैक टू सरजी सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सभी सदस्य एकदम से स्वस्थ और एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि कल से नवरात्रियाँ शुरू हो रही हैं और नवरात्रियों के पावन पर्व पर सभी मंदिरों को माता के आगमन की खुशी में बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है और पूरे 9 दिन मंदिरों में इतनी रौनक रहेगी, चहल पहल रहेगी। और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी हम मंदिर जाएंगे तो आपको माता रानी के विभिन्न विभिन्न रूप के दर्शन कराने की कोशिश करें। तो दोस्तों, बने रहना, हमारे ब्लॉगों को देखते रहना और लाइक करते रहना, इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखना। तो हम भी जो है कल मंदिर जाएंगे तो आपको अपने नए ब्लॉग में माता रानी के दर्शन कराने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और नवरात्रियों पर अपना सच्चे मन से व्रत रहना, और जो व्रत नहीं रह सकते हैं वो सच्चे मन से अपना पूजा करना। और तो माता रानी का आशीर्वाद माता रानी अवश्य देंगी। ओके गाइस, बने रहना। अब हम नाश्ता वास्ता करके अपना जो फिर काम पर निकलेंगे। पहले हम थोड़ा सा गमलों में पानी डाल लेते हैं। जय सूर्य देवता की जय। जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। देखिए दोस्तों, सूर्य देव निकल चुके हैं और ये हमारे पेड़ पौधे हैं, इनमें जल दे दिया है हमने। ये छोटी सी फुलवाड़ी है, गमले तो काफ़ी सारे लगाए हुए थे लेकिन कुछ गमले अभी सूख गए हैं पौधे, तो दोबारा से लगाए जाएंगे। ओके गाइस, हम भी नाश्ता पानी करके अपना निकलते हैं काम पे। दोस्तों, नहा धो करके तैयार हो चुके हैं, पूजा पाठ हो चुका है और अब निकल रहे हैं अपने काम के सिलसिले में बाहर। तो जहाँ भी जाएंगे, अच्छी अच्छी लोकेशन होंगी तो आपको दिखाते रहेंगे। तो आप बने रहना ब्लॉग में और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखो और भाइयों वीडियो को लाइक करते रहो। तो ठीक है, फिर निकलते हैं, दिखाते रहेंगे आपको बाहर का जो भी अच्छा अच्छा व्यू होगा, बने रहना। ओके गाइस, बस अड्डे से हम बस में बैठ चुके हैं। यहाँ से हापुड़, गुलावटी, बुलेंस है, खुर्जा, आगरा, अलीगढ़ सभी जगह की बस मिलती है। और जी, अब हमारी बस जो है स्टैंड पर खड़ी हुई है, अब निकलने वाली है कुछ ही मिनट में। तो गाइस, अब निकल चुके हैं ऑफिस के काम से आउट ऑफ सिटी और रात का स्वाद दिखाएंगे। जो भी अच्छा लोकेशन मिलेगा आपको दिखाते रहेंगे। आज मैं मिलने आया हूँ एक मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, जिनसे मैं कम से कम 10-15 साल में मिलने आया हूँ, अपने बहुत पुराने दोस्त से जो है मेरे दिलसाद भाई, इनसे आज मैं 10-15 साल में मिला हूँ। तो इनका जो है अपना ये शोरूम है साड़ियों का, ये धोलाने में है। और जी, जो भी धोलाने के वास इस वीडियो को देखें, इनके पास आएँ और बढ़िया से बढ़िया इनकी सेल में योगदान करें। तो ये हमारे मित्र हैं भाई, बहुत खुशी हुई आज इतने सालों बाद भाई से मिलकर, और हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और अपना जो भी है इनके पास आए और दिखा दो, थोड़ा सा बता दो क्या क्या रखते हैं। सब एक चीज़ रखते हैं, साड़ी, सूट, लहंगा, सब टोटल आइटम। तो भैया, कपड़ों में इनके पास में सारी रेंज मिलेगी, साड़ी हों, सूट हों, लहंगे हों, चुन्नी हों, सब कुछ। तो भाई के पास आए एक बार सेवा का मौका दें इन्हें, और वैरायटी काफ़ी सारी है और क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आदमी बहुत बढ़िया।
जो इनके बेटे हैं, जो इनका साथ में जो मतलब हाथ बताते हैं भैया, आज बहुत बढ़िया लगा भाई के दुकान पे आके, भाई से मिलके बहुत बढ़िया लगा, खुशी हुई, काफ़ी सालों बाद मिले हैं। तो अपना वीडियो को देखते रहना, लाइक करते रहना और आ चुके हैं जी। अब हम अपने शहर में सारा देखो आराम से मैदान ले लिए बोलो तो। तो दोस्तों ये है मेरा भतीजा, भतीजा कहने लगा ताऊ जी कुछ खिला के लाओ, तो मैंने कहा चल कुछ खा कर आते हैं दोनों, ताऊ भतीजे हम दोनों खाने आए हैं। तो हमने मंगाया है मसाला डोसा, पहले हम मसाला डोसा खाएंगे उसके बाद में देखते हैं कि क्या पसंद आता है। मसाला डोसा हेलो गाइस वेलकम बैक टू। आज है ना तो अपने ताऊजी से कही, ताऊजी आज कुछ बाहर से खाने का मन कर रहा है, तो ताऊजी ने कही ठीक है चलते हैं। तो आज हम यहाँ पे लाला जी के जायके में आए हैं, हम यहाँ पे हमने मसाला डोसा ऑर्डर करा और देखते हैं। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल हमने एक मसाला डोसा ऑर्डर करा है, उसके बाद में जो बेटा कहेगा वो खिलवाएंगे इसको, ब्लॉग देखते हैं ना, क्योंकि कल से नवरात्रियाँ शुरू हो जाएंगी तो मेरे 9 दिन के व्रत रहेंगे और रखूँगा मैं 9 दिन के व्रत, माता रानी कृपा कर रही हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा आज जो भी खाना चटपटा वगैरह बाहर का आज खा लेते हैं, फिर तो अब 9 दिन का बिल्कुल एकदम स्टॉप हो जाएगा, किसी भी रेस्टोरेंट की तरफ मुँह उठा के नहीं देखेंगे हम 9 दिन का। और भाई चिराग क्या खाओगे, मेन्यू देखो, देखते हैं। चिराग भाई देख रहे हैं मेन्यू और इन्हें समझ में आ रहा कि क्या खाएं क्या ना खाएं। सिंगल ओनियन पिज्जा भी 60 है, सिंगल सोया पिज्जा भी 60 है, सिंगल कैप्सिकम 60 है, सिंगल कोन भी 60 है। पैसों की चिंता मत कर, तू खा ले। चिराग भाई देख रहे हैं अपने मेन्यू कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हमने कहा कि चिंता मत कर जो तुझे खाना खा लो। ये देखिए भैया हमारा आ चुका है डोसा, ये देखिए ये मसाला डोसा मंगवाया अभी फिलहाल हमने, पहले हम मसाला डोसा खाते हैं उसके बाद में आपको दिखाते हैं।
यहाँ पे ताऊ जी ने शुरुआत कर दी है खाने की। अब वो टेस्ट बताते हैं टेस्ट कैसा है। मैं पहले बाद में टेस्ट करता हूँ, पहले आप बताओ टेस्ट कैसा है। टेस्ट एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। नमक मिर्च मसाले सभी बढ़िया हैं, क्योंकि हमारा पुराना रेस्टोरेंट है, हम इसी में आते हैं, जब भी आते हैं हम इसी में आते हैं, तो हर चीज़ ये बने। ठीक है, अब गाइस मैं अपना वाला सेल चेक करता हूँ। एकदम मस्त है हमारा, हम यहाँ पे हर बहुत बढ़िया लगा हमें दोनों को, और हम खा लेते हैं उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं बाद में। ओके नॉर्मल पूछो कौन है कबू। हाँ मैं दीदी का कह रहा था, मैंने खाया भैया। हम आए हैं मोमोज के लिए, और तो भैया हम आए हैं मोमोज किंग में, और जैसे कि ये रेस्टोरेंट पहले दूसरी जगह था, हम वहाँ पे जाते थे, लेकिन आज हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं, अब दूसरी जगह ओपन हो गया, तो मैं लेके आया हूँ अपने भतीजे को। ये शाम की वजह से बोल नहीं रहा है। तो भैया मोमोज किंग में आए हैं मोमोज खाने के लिए, और अब देखते हैं कि यहाँ का स्वाद कैसा लगता है, और कैसा मतलब जायका होगा, देख खा के देख लेते हैं। I believe you'll be somebody, someone I can call the one. You're gonna be my only.